तो हसल सीजन वन के हमारे पास जज थे रफ्तार, हसल 2.0 के जज थे बादशाह और गैस जज थे हमारे पास इक्का। तो फिर हसल 3.0 का जज कौन होने वाला है? क्या वो हनी सिंह हो सकते हैं? तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। सो हेलो गाइस, दिस इज प्रिंस रिपीट्स एंड आई होप यू गाइस आर सेफ एट होम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हसल 3.0 के जज क्या हनी सिंह हो सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक गाना सुनाना चाहता हूं जो कि मेरा खुद का है। अगर आप लोगों को वो गाना पसंद आता है तो प्लीज वहां पे जाके उस गाने को सुनिए और उस चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे और सॉन्ग्स को सुनने के लिए। दुनिया के लाश में तेरी तलाश में और तू बैठा मेरे साथ में। दुनिया के लाश में तेरी तलाश में और तू बैठा मेरे साथ में। दुनिया के लाश में तेरी तलाश में और तू बैठा मेरे साथ में। दुनिया के लाश में तेरी तलाश में और तू बैठा मेरे साथ। मंथन से निकला जो विश कंठ में तेरे समाया। और अगर आप लोग मेरे से म्यूजिक प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग करवाना चाहते हैं, या आप लोग मेरे से म्यूजिक प्रोडक्शन मिक्सिंग मास्टरिंग सीखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे को डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हसल 3.0 का जज कौन होगा यहाँ पे, इस पॉइंट को हम सबसे पहले देखते हैं एमटीवी की पीओवी से। तो एमटीवी हसल को प्रोड्यूस करता है तो उसका फर्स्ट मोटिव यही होता है कि टीआरपी हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आए। तो क्या हनी सिंह के शो में आने से एमटीवी की टीआरपी बढ़ जाएगी? तो हनी सिंह ने जब अपना म्यूजिक इंट्रोड्यूस करा था 2011, 2012, 2013 में, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था, म्यूजिक रेवोल्यूशन था वो इंडिया में। हनी सिंह को करोड़ों लोग जानते थे, हनी सिंह को हमारे पेरेंट्स भी जानते हैं, हनी सिंह को सब जानते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक जानते हैं हनी सिंह कौन है। पर रफ्तार और बादशाह को लोग जानते हैं पर इतना वाइड रेंज में नहीं जानते, पर हनी सिंह को यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते हैं। तो हनी सिंह को एज अ जज मैंने तब इमेजिन करा जब मेरे व्यूअर्स ने मेरी वीडियोज के नीचे ये कॉमेंट करना शुरू कर दिया। तो जब हनी सिंह जज बनकर आएंगे एमटीवी हसल 3.0 में तो शो की टीआरपी बहुत ऊपर जाने वाली है, उसको बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस मिलेगी। हनी सिंह पहले भी जज कर चुके हैं एक शो को, इंडियाज रॉस्ट। और यहाँ पे एक बात हो रहा है कि फर्स्ट सीजन में रफ्तार थे, दूसरे सीजन में आशा थे और गैस जज के रूप में हमें यहाँ पे मिले थे इक्का, तीसरे सीजन में हमें यहाँ पे हनी सिंह मिलेंगे। तो माफिया मुंडीर इनका ग्रुप था, वो दोबारा से रिफॉर्म हो सकता है। अब हम हनी सिंह एज अ जज हनी सिंह के पीओवी से देखें, ये बात तो क्लियर है कि हनी सिंह अंडरग्राउंड हिप हॉप नहीं करते हैं, वो सिर्फ कमर्शियल हिप हॉप करते हैं, पर वो हिप हॉप करते हैं, ही इज अ रैपर जो कि पहले रिवॉल्यूशन ला चुके हैं पूरी म्यूजिक गेम में। उनको म्यूजिक की बहुत अच्छी समझ है, वो जज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ही इज अ बिजनेसमैन आल्सो, उनको म्यूजिक से बिजनेस कैसे करना है, पैसा कैसे कमाना है, वो बहुत अच्छे से आता है। तो आई थिंक हमें हसल 3.0 में हनी सिंह एज अ जज देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो टीआरपी बहुत ऊपर जाने वाली है, बहुत लोग उस शो को देखने वाले हैं, बहुत नए लोग उस शो से जुड़ने वाले हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।